हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं बप्पा के फेवरेट मोदक, जो कि गणेश भगवान जी का बहुत ही फेवरेट मोदक है और ये हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी में। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने पनीर लिया है 250 ग्राम और इसे हमने छोटे पीस में काट लिया है और इसे काटने के बाद हम इसका बनाएंगे मोदक। तो चलिए, मोदक के लिए हम सबसे पहले एक जार लेंगे, उसमें सारे कटे हुए पनीर के क्यूब्स को इसमें डाल देंगे और इसे बारीक धीरे धीरे चलाकर पीसना है, जिससे कि ये इसका घी न छोड़े। कभी कभी होता है कि अगर आप तेज़ी से पीस दोगे तो ये घी छोड़ देता है। तो देखिए, हमने धीरे धीरे चलाया है तो ये घी नहीं छोड़ा है, अलग नहीं हुआ है और ये अच्छे से बन के हो रेडी हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमने निकाले हैं। इसे निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मलाई की तरह हो गए हैं। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं एकदम, देखिए है ना। तो चलिए, अब इसे हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, गैस पे से मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा कम ही रखे हैं, लो फ्लेम पे, और इसे हम चलाते हुए डालकर मिक्स करेंगे। तो सारे पनीर को हमने कढ़ाई में डाल लिया है और इसे हम अब मिक्स करते हैं। तो देखिए, चलाते ही थोड़े देर में ही ये बिल्कुल और सॉफ्ट हो जाएगा मलाई की तरह, और ये पैन में लगने लगा है, आप देख सकते हो। तो इसे हम इसी तरह थोड़ा सा चलाते हुए भूनेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक हम इसे पहले भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, क्योंकि मोदक बनाना है। तो इसे हमने भून लिया है, आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल और भी पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल का बुरादा, जो कि 75 ग्राम है, हमें इसे डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने पर जो ये इसके अंदर पानी है हल्का फुल्का, वो भी ये अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो ये बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हो, डो की तरह होने लगा है तुरंत नारियल को डालते ही। तो इसे डालकर हम थोड़े देर भूनेंगे। 2 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे ही हल्का हल्का मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मिल्क पाउडर लिया है हमने, 60 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, जो कि आसानी से दुकान पे मार्केट में कहीं भी मिल सकता है। जो पैकेट होता है उसी से समझ लीजिए, हमने एक पैकेट मिल्क पाउडर लिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से डो जैसा बन गया है, लेकिन अभी इसका पकना बाकी है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये देखिए, हमने चीनी लिया है, 125 ग्राम इसमें चीनी डाल दिया है। ये फ्लेवर में अच्छा है, लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना है तो थोड़ा बहुत चीनी आप बढ़ा सकते हो। तो हम इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे देखिए हम भून रहे हैं। 1-2 मिनट में ही जब चीनी गल जाएगी ना, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा और गीला टाइप में हो गया है। तो आप घबराइएगा ना, इसे आप मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा कम ही पे, लो फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह भूनते हुए मिक्स कीजिएगा। इससे जो चीनी अच्छे से गल भी जाएगी और ये पक भी जाएगा अच्छे से। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मेवे। तो देखिए, हमने ये बादाम काट कर लिए हैं और इसे लंबा लंबा थोड़ा सा काटा, इसे डाल लिया है हमने। और इसमें और कुछ मेवे हैं, जैसे कि काजू है, तो काजू को भी हमने काट लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और हमने पिस्ता लिया है थोड़े से, और पिस्ते को भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने पिस्ता कटे हुए डाल दिए हैं और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने, अगर आपको और भी कोई मेवे डालने की इच्छा हो तो आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। हमने इसमें कोई इलायची पाउडर नहीं डाला है, अगर आपको डालने की इच्छा हो तो डाल दीजिएगा। और ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हो इसे भून रहे हैं। और ये धीरे धीरे भूनते भूनते आप देखिएगा, 1-2 मिनट में ये कढ़ाई छोड़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, आप देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है। ये लग रहा है जो पिस्ता हमने इसमें डाले है उसमें थोड़ा बहुत कलर था, तो वही ये हल्का ग्रीन पे हो गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस, अगर आप चाहो तो हल्का फुल्का फूड कलर भी डाल सकते हो। ये हमने इस पे सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को भी डाल दिया है और इसे डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हो गाइस कि ये पैन छोड़ दिया है हमने, 1-2 मिनट और इसे लो फ्लेम पे भुना है तो ये पैन छोड़ के अलग हो रहा है। तो ये डो जैसा रेडी हो, आपको हम दिखा रहे हैं इसका टेक्सचर। आप देखिए ये गिर भी नहीं रहा है और ये बिल्कुल डो जैसा है। तो आप इसका कलर वलर देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और आप देख सकते हो इसका कलर, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो पप्पा तो खुश होने वाले हैं। तो अब चलिए इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है, थोड़ी देर ठंडा होंगे तो अब देखिए ये हमारा डो जैसा है। तो ये ठंडा होने के लिए हमने रख दिया है, थोड़ी देर बाद देखिए तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही हम एक मोदक मेकर लिए हैं और इसमें घी लगा दिए हैं हल्का सा, फर्स्ट टाइम लगाएंगे सिर्फ। और इसे लगाकर हम देखिए बंद करके जो डो है इसे इसमें डाल देंगे। तो इसे डालने के बाद देखिए हम कैसे डाल रहे हैं इसे, उसी तरह आप भी अगर मेकर है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो ये हाथों से भी बनता है। इस वीडियो में मैंने दिखाया नहीं है, मेरे एक दूसरे वीडियो में भी बनाकर हमने हाथों से दिखाया है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। वो ओरियो बिस्कुट से बने हुए मोदक हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो हमने इसे सिर्फ मेकर में बनाया है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो हमारा देख सकते हो और हाथों से बना सकते हो। तो इसे भी हमने देखिए अच्छे से मेकर में सारे जो मिक्सचर है उसको डालकर हमने उंगली से अच्छे से दबाकर इसे सेट कर लिया है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बन के रेडी हो जाएगा। तो बनाना इसे बहुत ही आसान है गाइस, और आप देख सकते हो कि हमने इसे बना लिया है। तो अब इसे निकालते हैं सांचे से, तो देखिए परफेक्ट, आप देख रहे हो इसका कलर और जगह जगह पे आप देख सकते हो कि इसमें कहीं पे पिस्ते दिख रहे हैं तो कहीं गुलाब की पंखुड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये देखने में भी जितने अच्छे हैं खाने में भी गाइस उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे बनाइएगा और बप्पा को भोग लगाइएगा, बप्पा तो खुश होने वाले हैं। तो गाइस आप इसी तरह सारे मोदक को बना लीजिएगा, हमने भी इसे सारे मोदक को रेडी कर लिया। अब हम आपको इसे तोड़कर दिखाएंगे कि देखिए गाइस ये देखने में तो बहुत ही अच्छे हैं। तो पता चलता है कभी कभी चीनी डालो या कुछ तो कड़े हो जाते हैं, तो आपको हम ये तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट रहने वाले हैं, ये 1-2 दिन तक बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो आप इसे बनाओ और खाओ गाइस। तो हमारे बप्पा को हमने भोग लगाया और अगर आप चाहो तो इसे बनाकर एक बार ट्राई ले सकते हो। अगर आपको ये पसंद है तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और देखिए इसका कलर चाहे जो भी लुक है वो भी बहुत बेहतरीन खिल के आया है। तो आप देख सकते हो हमने इसे मेकर से बनाया है, आप हाथों से भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम तो गाइज बप्पा के पप्पा के फैन हैं, आप किसके हो? हर हर महादेव।